अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई आज की जो वीडियो है ये बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं था बनाने का, ना प्लान की ये कोई वीडियो। तो यहाँ पर अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ये मेरा जो क्लच है ये कोई 10-12 साल पुराना है, ठीक है। तो ये इस हालत में नहीं था, ठीक है। इसको मैंने ये वीडियो बनाने से एक घंटा पहले एग्जैक्ट ये सारा मैंने इसको खोल खाल के इसको जो है ना इसकी चमड़ी उधेड़ दी, ठीक है। फिर मेरे जहन में है, मैंने कहा मैं तो वैसे भी डेली व्लॉगिंग जो करती ही हूँ, ठीक है, तो क्यों ना इसको भी मैं बीच में शामिल कर देती हूँ। मेरा को कौन सा कुछ जाना है, मैंने रिंग लाइट पे मोबाइल जो है वो फिक्स करना है और साथ बस वीडियो बना देनी है कि मैंने किस तरह से जो है ना वो DIY जो है वो किया। तो मुझे वैसे चाहिए था हॉट पिंक कलर का क्लच, मैंने ऑनलाइन पता करवाया तो मुझे 1 टाइम यूज़ के लिए ही चाहिए था, तो वो तकरीबन 2500-3000 ये उनकी प्राइसेस थी, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे क्या ऐसी जो है ना अब पड़ी हुई है कि मैं ये इतने पैसे लगाऊं से 1 टाइम यूज़ के क्लच के लिए। तो मेरे पास ये था पुराना पड़ा हुआ क्लच जिसको सिर्फ मैंने 2 या 3 दफ़ा मैक्सिमम यूज़ किया होगा, फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो जब ये मेरे हाथ लगा मैंने कहा चलो भाई इसी से जो है ना कोई अपना जुगाड़ लगाते। तो मैंने क्या किया, 100 रुपये का मैंने कपड़ा खरीदा, ठीक है। अब इस का जो जो टेक्स्चर है ना इस क्लच का वो बड़ा ऐसे शाइनी वाला जो शाइन सा जो देते हैं ना शाइनिंग वाला ये क्लच था मेरा। तो मैंने ना अटल का कपड़ा ले लिया, सूती मुझे मिला नहीं, मैंने अटल का कपड़ा ले लिया। तो 100 रुपये का कपड़ा लिया मैंने और साथ में 30 रुपये के मैंने नग लिए जो इसके ऊपर लगाते हैं, बीट्स जो होते हैं ना ऊपर स्टिक करते हैं। तो यहाँ पहले मैंने इसको ऐसी ना कटिंग वगैरह करके मैंने देखा आपके फ़िक्स हो रहा है कपड़ा, हो जाएगा काम सारा मेरा, ये है वो सारा ठीक। फिर उसके बाद मैंने जो है अल्लाह का नाम लेकर UHU के साथ अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बीच में मैंने कुछ थोड़ी बहुत बोंगियाँ भी मारी हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि बस जब आप अल्लाह का नाम लेकर कोई भी काम शुरू करते हैं ना तो आपकी मदद अल्लाह ताला वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो बस मुझे ये था बनवाना, मैंने किसी और से था, लेकिन बात वही है कि मिन्नतें करने से बेहतर है कि इंसान खुद ही काम करे। स्किल तो आपके पास आ ही जाती है तो काम भी आपका हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला क्लच का हिस्सा है इसको मैं UHU ग्लू स्टिक के साथ जो है स्टिक नहीं UHU ग्लू के साथ इसको मैं जो है वो जोड़ रही हूँ। ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था, ठीक है, तो इसको मैंने साथ ही साथ काट लिया। मैंने कटिंग बहुत रफ सी की, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं कोई इतनी आर्ट की जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस एक मकसद था कि मेरी जो चीज़ है ना वो बन जाए, ठीक है। तो बस मैं वीडियो जो है मैंने बस वीडियो फुल टाइम मैंने ऑन रखी, बीच में मुझे बच्चे भी तंग करे थे और बड़ा जो है ना शोर शराबा भी होता, लेकिन मैं ढीटों की तरह ना अपना काम लगी हुई, मैंने कहा मैंने करना है तो मैंने ये बस करना ही है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वैसे ना ये जो क्लचेस वगैरह थे मैंने तो इसको खोलने के बाद जब इसका जायज़ा लिया तो मुझे पता चला कि भाई ये तो कोई कार्डबोर्ड से बने हुए होते हैं, ठीक है, सारा अंदर गत्ता लगा हुआ है और ऊपर कपड़ा चिपका के तो हमें दे देते हैं। और ये तो मैंने तो जब आज से कोई 10 या 11 साल पहले लिया था किसी की शादी के लिए, तब मैंने 750 का लिया था, ठीक है, मुझे अभी भी याद है। अब आपको पता है कि आज से 10 साल पहले 750 की क्या वैल्यू थी, ठीक है, तो तब ये लिया था तो मतलब ये क्या है, मतलब एक गत्ता है, ठीक है, उसके ऊपर आपने बस वो एक शिमली सा वो शीट चढ़ाई हुई और आप उसको जो है ना इस तरह से भेजा। अब देखो मैंने भी तो देखो 150 या 200 में हार्डली मैंने जो है ना अपना ये जो क्लच है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो UHU के साथ मैं खेलने लगी हुई हूँ, ठीक है, ये हाथों में बहुत चिपक रही थी तो मेरे पास ग्लू गन थी नहीं कि मैं उसकी हेल्प से जो है ना कुछ करती, लेकिन मैं अपने काम में जो है ना बस लगी हुई थी कि मेरा किसी ना किसी तरीके से ये स्टिक हो जाए। ये देखें कि अभी भी मैं कोशिशों में हूँ कि मेरी जो मेरा कॉर्नर जो है ना वो सबसे अच्छा सा कॉर्नर जो है ना वो बन जाए, एक जो वो नोकीला कॉर्नर होता है ना वो बन जाए। तो क्लच का जो बैक वाला हिस्सा था वो तो मैंने प्रॉपर अच्छे तरीके से स्टिक कर लिया था, अब फ्रंट की बारी थी, फ्रंट वाला भी मैंने कर लिया था पहले ही, लेकिन मैं साथ साथ उसको देख रही थी कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स है ना बस मुझे ये था कि कॉर्नर्स अच्छे तरीके से जो है वो स्टिक हो जाए बाद में कपड़ा निकले। अब आप यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग लग रही है, ठीक है, ये जो जहाँ जब आप क्लच बंद करते हैं तो मतलब जो साथ में जो चीज़ चिपकती है मुझे उसका नाम नहीं आता, ठीक है, लेकिन वो बस उसके लिए मैंने इसलिए इसमें सुराख वगैरह नहीं किया क्योंकि ये वैसे ही जो है ना वो बंद हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मज़ीद इसको इसकी कटिंग करने से बेहतर कि इसको ऐसे ही मैं रहने देती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो फ्रंट वाला इसका हिस्सा है मैं इसको जो है वो UHU के साथ जो YouTube है उसके साथ मैं इसको स्टिक करती हूँ। अब आप ये देखिए कितना हसीन सा ये लग रहा है, बस इसको ये नीचे वाले पोर्शन में मैंने अब यहाँ पे स्टिक करके इसको सॉरी इस पर ग्लू लगा कर और इसको स्टिक करना था, ठीक है। तो अब ये साथ ही मेरा भतीजा है, बट ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, मैंने कहा बस अगर नहीं ये साइड पर होता तो बस आता है तो आए वीडियो में।
मुझे वैसे पर्सनली आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ है, मतलब कि जब मैं अपने स्कूल टाइम में थी ना, तो हमारा प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, अभी मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में हमने इतना कुछ सीखा था, क्योंकि वो जो है ना, वो बस कहते हैं ना स्किल्स लेना, नॉलेज तो जाहिर सी बात है, चीज़ के बारे में जब आपको नॉलेज मिलती है तो स्किल आपके पास आ ही जाती है, ठीक है। तो वो बड़ी स्किल्स उन्होंने अच्छी अच्छी जो है ना हमें सिखाई, और किस तरह से आपने घर की चीज़ों को यूज़ करना है और कैसे सब काम करना है। और एक टाइम ऐसा था कि मैं हर कोई, मतलब कोई भी चीज़ मुझे आसपास कहीं नज़र आती, कोई कागज़ पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, इवन के थर्मापोल का भी कोई पीस जो अगर मुझे मिलता तो मैं उसका भी कुछ ना कुछ करती थी, ठीक है। लेकिन जब आप वक्त के साथ साथ जो है ना, अब आप आपकी रूटीन बिजी होना शुरू हो जाती है, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, तो आप ये इन चीज़ों से मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दूर हो जाते हो, ठीक है। लेकिन टीचिंग की फील्ड ऐसी है जिसमें जो है ना आप इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है, कटिंग्स हो गई या कोई भी आपको चीज़ बनानी पड़ती है, डेकोरेशन वगैरह करना पड़ता है। तो बस ये है कि घर के लिए तो कोई DIY वगैरह नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम आर्ट एंड क्राफ्ट का हम जो है ना साथ साथ सीखते ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर मेरा पूरा क्लच जो है वो स्टिक हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर एक जोली है, एक बीट्स जो है, भाई आप इसको बीट कहें, बीट्स कहें, डायमोटिस कहें या नग कहें, जो भी कहें, वो बस लिया और इसको UHU के साथ स्टिक करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर जो है इसके कोई सामान वगैरह तो है नहीं कि जिससे मैं जो है ना एक एक लेकर और फिर मैं उसको पेस्ट करती, ठीक है। अब आप ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, बहुत डिसेंट सा लग रहा है। भाई मुझे तो अपनी ये रिसाइकलिंग बहुत पसंद आई है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। मुझे उम्मीद है आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसकी क्लियर पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आने वाले वक्त पे कभी आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस ड्रेस के साथ इसको कैरी किया। बहरहाल ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।